crazy, go. बेल आइकन को इग्नोर ना कीजिए और इलेक्ट्रोइजर्ट की सारी वीडियो को सबसे पहले देखिए दबाइए आप। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रोइजर्ट। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे एक और क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो में, और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने क्लैनमेट्स को क्यों किक किया और ये रीज़न क्या था इसके पीछे। सो गाइस, जरूरी हो गया था यार क्लैनमेट्स को किक करना, क्योंकि गाइस देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो है पबजी। ठीक है, पबजी इसलिए गाइस क्योंकि देखो मेरे क्लैनमेट्स क्या है कि हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, तो ये लोग पबजी ज़्यादा खेलते हैं यार। क्लैश ऑफ क्लैंस, इन्होंने हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस डेड नहीं हुआ है, पर इन्होंने हमारा क्लैन जरूर डेड बना दिया। सो जब भी मैं क्लैश ऑफ क्लैंस ओपन करता था ना यार, तब भी मैं देखता था यहाँ पे तीन से ज़्यादा या चार से ज़्यादा कोई ऑनलाइन देखने को मिलेगा ही नहीं। एंड दूसरी साइड अगर मैं अपना लव कोटो वाला क्लैन देखूँ ना, उसमें यार बंदे रात को 18, 19 इतने इतने लोग एक्टिव रहते हैं। सो गाइस सोचो यार, मतलब मेरे को कितना मज़ा आ रहा होगा उन लोगों के साथ खेलने में, और कितना बुरा लग रहा होगा इन लोगों के साथ खेलने में, क्योंकि ये लोग क्लैश ऑफ क्लैन में एक्टिव ही नहीं थे। सो मैंने क्या किया, पहले सबको किक आउट कर दिया, एंड जो मुझे लगा कि एक्टिव क्लैशर्स है सो मैंने उनको इन्वाइट बैक कर दिया है। तो अब मैं बात कर देता हूँ यार, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पबजी के बारे में आज बोलना चाहूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे पबजी के बारे में बोलेंगे। बोलोगे कब बोलोगे? तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पबजी बहुत बुरा गेम है यहाँ पर, लेकिन गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि मेरे को प्रॉब्लम किन चीज़ों से है, कि यार यहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्लैश ऑफ क्लैन क्विट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? रीज़न गाइस, क्लैश ऑफ क्लैन एक ऐसा गेम है ना कि आप बाकी गेम्स के साथ भी ना क्लैश ऑफ क्लैंस खेल सकते हो, क्योंकि आपको दिन में एक एक दो दो तीन तीन बार खोलना पड़ता है क्लैश ऑफ क्लैंस, तो आप बाकी गेम्स के साथ भी खेल सकते हो क्लैश ऑफ क्लैंस को। ठीक है, एंड गाइस अब होता क्या है कि यार देखो इंडिया में ना जियो का ना इतना तगड़ा ट्रेंड पकड़ा हुआ है ना, कि पहले किसी के पास यूट्यूब नहीं था, अब हर एक बंदे के फ़ोन में यूट्यूब होगा ही होगा। सो होता क्या कि यार जो लोग भी बोर होते हैं, जब टाइम पास करना होता है, तो वो यूट्यूब खोलते हैं, और यूट्यूब खोलने के बाद उन्हें एक वीडियो मिलती है, उस पर लिखा होता है कि आई क्विट क्लैश ऑफ क्लैन। क्या लिखा होता है? आई क्विट क्लैश ऑफ क्लैन, और वो वीडियो डालते हैं हमारे प्यारे यूट्यूबर्स। ठीक है, को गाइज मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी यूट्यूबर बेकार है या उसने गलत ये वीडियो बनाया। तो गाइज मैं आप लोगों को एक रियल बात बता देता हूँ कि यार जितने भी यूट्यूबर्स ने आई क्विट क्लैश ऑफ क्लैन वाला वीडियो डाला है ना गाइज, वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। हाँ गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि वो लोग अपनी जगह पे वहाँ पे बिल्कुल ही सही है। सो गाइज देखो, वो यूट्यूबर है, एक क्लैशर तो है ही है, पर वो वहाँ पे एक यूट्यूबर है। ठीक है, एंड गाइज कंटेंट की कमी होने की वजह से क्लैश ऑफ क्लैंस उन्होंने क्विट करा है, वो दूसरे गेम की तरफ बढ़ेंगे यार, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है, वो इधर से उधर दूसरे गेम्स में जाएंगे क्योंकि उनके पास कॉन्टेंट की कमी है। सो यूट्यूबर्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर लेकिन गलत पता है कौन है गाइज? गलत वो लोग है जो वहाँ पे उनकी वीडियोज देख के यहाँ पे अपने डिसीजन ले लेते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं करना यार, आप लोग क्यों मतलब ऐसा करते हो यार? मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि पता है क्या, और क्लैश ऑफ क्लैन पता है उसके बाद कौन कौन लोग क्विट करते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद? वो लोग क्विट करते हैं जो यहाँ पे पबजी भी खेल रहे हैं एंड क्लैश ऑफ क्लैन भी खेल रहे हैं, और वो लोग अभी आजकल पबजी ट्रेंड में ना, तो वो क्या करते हैं कि क्लैश ऑफ क्लैंस को बहुत कम टाइम देते हैं एंड पबजी पे दिन भर पड़े रहते हैं। सो गाइज वो क्या करते हैं कि जब वो वीडियोस देखते हैं ना आई क्विट क्लैश ऑफ क्लैंस की, तो उनके मन में एक विचार आ जाता है कि ओहो यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर क्लैश ऑफ क्लैंस क्विट कर रहे हैं, तो यार अब हमें भी कर देना चाहिए, हमारे लिए क्या है यार क्लैश ऑफ क्लैंस, जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्विट कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, अब इसमें कुछ रहा ही नहीं गेम में, तो वो लोग अपना डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं। तो गाइज यार ये क्या है गाइज, मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कि गाइज देखो जो लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स की वीडियोस एंड उनके जो वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना वो पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई तू क्लैश ऑफ क्लैंस छोड़ रहा है ना, तो मैं भी तेरे लिए छोड़ दूंगा, भाई तू बहुत सही जा रहा है यहाँ पे, पबजी यहाँ पे बहुत बेस्ट गेम है, क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत बोर हो चुका है, भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो गाइस ऐसे कमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते होंगे उन यूट्यूबर्स की वीडियोस पे जिन पे लिखा रहता है आई क्विट क्लैश ऑफ क्लैंस। ठीक है गाइस, और उन्हीं कमेंट्स को देख देख के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बोलते हैं अरे यार इतने सारे लोग क्विट कर रहे हैं तो हमें भी बोर लगने लग जाता है गेम, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो
मैं उन व्यूवर को यही बोलना चाहूंगा कि गाइस जो आप कमेंट्स पढ़ रहे हो ना, जो लोग वो कमेंट्स लिख रहे हैं कि हाँ भाई हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, हम तेरे लिए जान दे देंगे, ठीक है गाइस, वो सब्सक्राइबर्स यार पता है क्या के नीचे क्या क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाई यू आर माय फेवरेट यूट्यूबर, एंड कल के दिन वही तुम्हें सब्सक्राइबर्स दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे और वो यही चीज बोलेंगे कि आई एम यू आर माय फेवरेट यूट्यूबर, एंड वही कमेंट्स आपको हर दूसरे तीसरे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस बस यही होता है यार, वो पता है क्यों करते हैं, क्योंकि वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और वो यही चाहते हैं कि उनके लिए सारे यूट्यूबर्स अच्छे ही है, तो वो नेगेटिव कमेंट्स तो करेंगे नहीं, तो वो अच्छे कमेंट्स करेंगे और वो उनका दिल रखने के लिए यहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि भाई हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, तू कोई भी कंटेंट पे वीडियोस डाल, हम तेरे को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड वही कमेंट्स आप लोग देख देख के बोलते हो कि अरे यार इतने सारे लोग क्विट कर रहे हैं तो हम भी क्विट कर देते हैं। सो गाइस ऐसा नहीं होता यार, तुम अगर अपना डिसीजन लेते हो तो सही रहेगा, क्योंकि गाइस पता है क्या यार, एक मेन रीज़न ये है कि क्लैश ऑफ क्लैंस लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे पबजी खेलने लग गए, और यही होता है यार पबजी में, क्योंकि जितने भी लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं ना, अगर उनके फ्रेंड्स क्लैश ऑफ क्लैन खेलेंगे तो वो भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे, अगर उनके फ्रेंड्स पबजी खेलेंगे तो वो भी पबजी मोबाइल खेलेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है यार, अगर आप अकेले क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हो और आपके सारे फ्रेंड्स पबजी खेल रहे हैं ना, तो वो लोग यही आपको मतलब थोड़ा चिढ़ाएंगे विड़ाएंगे, बोलेंगे यार यार क्या यार तू अभी भी इस बेकार बोर गेम पे लगा हुआ है, क्या यार ये खेलना यार, देख हमारे साथ देख, हम लोग हमारा लीग देख, हम लोग कितने किल्स करते हैं इतना, तो तुम लोगों भी ना यार उनकी बातें सुन सुन के उनका गेम प्ले देख देख के तुम लोग भी अट्रैक्ट हो जाओगे और तुम भी यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन क्विट कर दोगे। पर लेकिन अगर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं और तुम अकेले पबजी खेल रहे हो ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी पबजी खेलने में मज़ा नहीं आएगा। एंड गाइस यही मेरे साथ हुआ है कि मेरे जितने भी फ्रेंड लिस्ट में वो सब लोगों ने यहाँ पे क्विट कर दिया क्लैश ऑफ क्लैंस, और मैं अकेला अभी भी लगा हुआ हूँ क्लैश ऑफ क्लैन में, एंड सोच रहा हूँ कि कैसे क्लैश ऑफ क्लैन का क्रेज बढ़ाऊँ। पर लेकिन गाइस मेरा मेरे को तब पता चला कि क्लैश ऑफ क्लैंस में अभी भी मज़ा आ रहा है, जब मैंने वहाँ पे लव कोटो वाला क्लैन का वीडियो बनाया था एक, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को बोला था, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड्स है नहीं अभी, तो मेरे को फ्रेंड्स बनाने थे क्लैश ऑफ क्लैन में, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इन्वाइट के लिए बोला था कि आप लोग आओ मेरे क्लैन में यार, मेरे को अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है एंड आप लोगों के साथ क्लैश ऑफ क्लैन खेलूंगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। पर उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया क्लैन को एंड मुझे सही में मज़ा आने लगा, क्योंकि मेरा क्लैन इतना एक्टिव हो चुका है कि उनके साथ बात करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनके साथ चैलेंजेस करने में, स्ट्रेटजी सीखने में मुझे सही में बहुत मजा आता है। और गाइस यहाँ पे यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग प्लीज़ दूसरे यूट्यूबर्स की और किसी के भी कमेंट्स देख के यार ये अपना डिसीजन मत लो। गाइस मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पबजी मत खेलो या क्लैश ऑफ क्लैन मत खेलो, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप दोनों गेम को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो एंड दूसरे यूट्यूबर्स की बातों पर डिसीजन मत लो, क्योंकि वो अपनी जगह सही है एंड आप लोग अपनी जगह सही हो, ठीक है। तो बस गाइज मैं आप लोगों के लिए एक क्लैन लाया हूँ जिससे आप लोग मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, आप लोग भी क्लैश ऑफ क्लैंस को थोड़ा एंटरटेनमेंट बना सकते हो। सो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने क्लैन का लिंक दे दिया है, यहाँ पे मैं ट्रॉफी पुशर्स चाहिए ओनली। सो क्लैन एक्टिव तभी होगा जब यहाँ पे ओनली चैंप लीग और उससे ऊपर के क्लैशर्स आएंगे, तो ही यहाँ पे क्लैन एक्टिव होगा। तो यार ज्वाइन करो मेरे क्लैन को, यहाँ पे ओनली चैंप लीग होने चाहिए या उससे ऊपर के होने चाहिए। एंड गाइज आप लोग सोच रहे होंगे यार हमारा लीग भाई लो लेवल की लीग है हमारा, हमारे लिए भी कुछ कर, तो यार मैं उन सभी को यही बोलना चाहूँगा कि भाई यार मैं सबके लिए क्लैन बनाऊंगा, पर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को भी अपनी कम्युनिटी ग्रो करनी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना वो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस में एक्टिव हो जाएं, और एक्टिव होने के लिए मैं उनके लिए यहाँ पे क्लैंस बना रहा हूँ अलग अलग, थोड़ा टाइम लगेगा पर मेरे को भी थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा, ठीक है। इतना जल्दी तो मैं ग्रो होने से रहा, तो बता देता हूँ मैंने एक लव कोटो वाला क्लैन बनाया है, उसमें वॉर प्लेयर्स मैं बुलाता हूँ, एंड यहाँ पे जो किंग ऑफ पायरेट्स है इस क्लैन में, इसमें मैं अभी ओनली ट्रॉफी पुशर्स बुलाऊंगा, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद आपको एक और क्लैन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसमें मैं अपने कुछ रशर्स होंगे जो क्लैश ऑफ क्लैंस के मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको बुलाऊंगा। ऐसे कुछ मैं क्लैंस के अलग अलग वेराइटी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मतलब अलग अलग टाइप के क्लैशर्स आ पाएँ, ठीक है, और सभी लोग क्लैश ऑफ क्लैन में मज़ा आएगा। अगर आप लोग आपका क्लैन अगर एक्टिव है ना, तो आपका क्लैन में आपको सही में क्लैश ऑफ क्लैन खेलने में बहुत मज़ा आएगा। एंड गाइज अभी भी बहुत कुछ है क्लैश ऑफ क्लैन में खेलने के लिए। तो गाइज बस आज वाली वीडियो में यही था, जल्दी से मेरा क्लैन ज्वाइन करो, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, मुझे पता है पबजी वाले यार डिसलाइक मारेंगे, और यार अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस के क्लैशर्स हो और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक इतने मारना कि पबजी वालों की मतलब डिसलाइक्स कम पड़ जाए, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियोस डालता रहता हूँ। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।